अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? आपके लिए आटा भी है और राशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बाबा जी के लिए आटे का भी इंतजाम हुआ है, साथ एक महीने का राशन भी, साथ एक रजाई का भी इंतजाम हुआ है। तो प्यारे व्यूअर, आज हम जिन जिन फैमिलियों के पास जाएंगे, आज की जो डोनेशन होगी सिस्टर रुबीना इफरान की तरफ से होगी। आप सबने उनकी सेहत के लिए और उनके पूरे घर वालों के लिए दुआएं करने के। एक ना बाबा जी, मैं भी सामान चाह के आना पिया जी। ना ना, मैं आप लेके आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी और अम्मा जी के लिए रजाई का इंतज़ाम हुआ है, साथ आटे का, साथ एक महीने के राशन का। बाबा शेर मोहम्मद और उनकी जो वाइफ हैं अकेले इसी घर में रहते हैं, इनकी जो औलाद है वो इनको छोड़ के चले गए हैं। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए कमरे का भी इंतज़ाम हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा इंतज़ाम हुआ है। बाबा जी, आपने अपनी बेटी रुबीना इफरान की सेहत के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआएं करनी है। ठीक ही है, खुश हैं आप? राशन ये एक महीने का पूरा हो जाएगा? तो प्यारे व्यूअर, अमूमन जो हम राशन बनाते हैं वो 5-6 अफराद के लिए एक महीने का काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ दो फैमिली मेम्बर हैं, तो इनके लिए 2 से 2.5 महीने के लिए ये सामान पूरा हो जाएगा। अल्लाह पाक बाबा शेर मोहम्मद को हमेशा खुश रखें। देखें कि बाबा जी खुशी से रो रहे हैं, इतनी मतलब खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक ने इनका जो नसीब था इनके सामने रख दिया है, ये हमने कुछ नहीं किया। अब देखें कहाँ हमारी वो सिस्टर बैठे हुए हैं, इतने दूर से उन्होंने, इनका नसीब था, इन्हीं के पास आ गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रुबीना इफरान सिस्टर आपका, अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखें कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है और आपने इन लोगों के बारे में सोचा है। क्या हाल है आसमां? ठीक है आप? आप भी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं बेटा आप? ठीक है, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम आसमां, क्या हाल है? ठीक है आप? और मेरी बहन आप भी ठीक है? हमारे इन छोटे बच्चों को हमेशा हमेशा खुश रखें। और तबीयत अब कैसी है आपकी? ठीक हो माशाल्लाह। तहमीना आप मिठाई खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी आसमा बहन मिठाई खाएगी। अम्मी जान आप आके ना आसमा को खिला दें, आसमा को भी, और ये जो छोटी बच्ची है ये खा नहीं सकती। अल्लाह पाक इनके वालदैन को भी जज़ाए खैर अता फरमाएं। खाओ बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह इन स्पेशल चाइल्ड के लिए बिस्तर, आटा और साथ एक महीने का जो राशन है इसका भी इंतज़ाम हुआ है। माँ जी आप ठीक है? जी, इन बच्चों की तबीयत कैसी है? ठीक अब बेहतर है, है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में आटा था या खत्म हो गया था? आटा खत्म हो गया। कब से खत्म हो गया था? दूसरे आटे वैसे ही खत्म हो गया। अच्छा, 2 दिन से खत्म हो गया था। फिर देखे अल्लाह पाक ने करम फरमाया है, जैसे ही खत्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का जो नसीब है आपके पास पहुँच चुका है। चावल आप इन बच्चों के लिए आज शाम को गोश्त बनाइएगा, इनको खिलाइएगा, और स्पेशली मेरी माँ आपने दुआ करनी है रुबीना इफरान के लिए, अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को सेहत याब करे। अस्सलाम वालेकुम।
बाबा जी क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है, खैरियत से। ये सारा सामान अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए आया है। शुक्र जिन्हें दीते उन्हें दुआ करने, बिल्कुल जिन्हें दीते ऐसा गरीब लोग है माँ जी बीमार रहते हैं तो प्यारे बीमार ये जो दो बुजुर्ग हैं अकेले घर में रहते हैं, इनका एक बेटा है वो इनको छोड़ के चला गया है, अकेले घर में होते हैं। जब भी बाबा जी के पास सामान खत्म होता है तो मेरी साइड पे आ जाते हैं। अभी इनके मुसलसल मुझे कॉल आ रहे थे तो देखें कि इनके पास सामान खत्म था, मुझे बार बार कॉल्स कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से हमारी बाजी रुबीना इफरान की तरफ से ये सामान की अरेंजमेंट हुई। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बाबा जी आपने अपनी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी इसमें जो हमने सामान लिया है आपके खाने के लिए हमने इसमें बिस्किट भी ऐड किए हैं, बाकी वो सारा सामान है जो कि 5-6 अफराद के लिए एक महीने के लिए काफी। नहीं नहीं है। तो आप दो है आपके लिए 2-2.5 महीने काफी हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चे है मेरे, वो बीमार है, वो बीमार है, बच्चे को पूछ रहा है बेचारे। हाय मुल्तान वाली है तो दादी आज। अच्छा मुल्तान दाबारदार वाला आइए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो वीवर बाबा जी पहले स्कूल में एज अ पियन का काम करते थे तो चौकीदारी करते थे, जब बाबा जी बुजुर्ग हुए हैं तो 1 साल हो गया स्कूल वालों ने बाबा जी को निकाल दिया है। तो अब बाबा जी घर होते हैं, अपनी बुजुर्ग जो इनकी वाइफ है उन्हीं के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखें। तो हमसे बाबा जी जितना हो सकेगा जैसे ही हमारे पास कोई अमानत आएगी हम आप तक पहुँचा देंगे। और इसी के साथ ही जो हमारे चैनल के साथ लोग अटैच हैं आप सब के पास सब के लिए आप दुआ कर दें। अच्छा दुआ कर दें, आमीन। अच्छा 24 घंटे पांच माह पर दे पांच बार से दुआ मांग दें, अल्लाह वो बच्चे को रहने दे, देखो सा को देने भी चलो टावर करने सुमा में। ठीक है बाबा जी, जजाक अल्लाह, ये आपका रिस्क था आप तक आ गया है, बड़ी मेहरबानी। ठीक है मेरी माँ आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। बाबा जी देख नहीं सकते, बाबा जी अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए सामान का, रजाई का, आटे का और राशन का इंतजाम हुआ है। जी हां खुश हैं, खुशी में जी हां खुश हैं, बड़े खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गरीबा को दे रहा है, आमीन आमीन। मां जी आप खुश हैं? जी हां अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे व्यूअर इन बाबा जी के यहां भी पहले नलका लगा हुआ नहीं था, नलके का भी इंतजाम हुआ है, आज अल्हम्दुलिल्लाह राशन जो था वो भी हमने यहां तक आके मैंने अमानत इन तक पहुंचा दी है। अल्लाह पाक हमें भी और इनको भी और आप सबको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो बाबा जी आपकी अमानत आपके पास है, जी मैं वेदा पिया। ठीक है जी, अल्लाह जज़ाकअल्लाह।